चलिए दोस्तों, अभी पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने आपको यानी पिंस के विषय में कुछ जानकारियाँ दी थी कि पिन कितने प्रकार की होती है बेसिकली, और फिर उन प्रकारों में भी हमने भिन्न भिन्न प्रकार के बताए थे आपको, ठीक है ना। जैसे मैंने पिन आपको अभी मेनली दो टाइप की बताई थी, पहला था आपका मेन क्विक रिलीज पिन और सेमी परमानेंट पिन यानी कि तुरंत मोचक पिन या अर्धस्थायी पिन। फिर उसके बाद सेमी परमानेंट में भी मैंने दो टाइप के मेनली बताए थे आपको, मशीन पिन्स और रेडियल लॉकिंग पिन्स। फिर इस समय जो अभी मैं पढ़ा रहा था आपको पीछे, मशीन पिन्स के टाइप पढ़ा रहा था, जिसमें से मैंने आपको क्वार्टर पिन्स बता दिया था, ठीक है ना, क्लेविस पिन्स बता दिया था। अब आज हम आगे उसी पिन को मतलब उसी के आगे का पोर्शन लेकर के हाजिर हुए हैं। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 2 की। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखिए उसके आगे के पेंस हैं, अब नेक्स्ट पार्ट आता है, मैंने क्लेविस पेंस तक आपको बता दिया था, अब आता है डॉवल पेंस। देखिए डॉवल पेन क्या होता है उसको समझिएगा। हार्डेंड एंड प्रिसाइजली शेप्ड डॉवल पेंस आर यूज्ड टू कीप मशीन कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, इनएक्यूरेट अलाइनमेंट, दे आर ऑल्सो यूज एज लोकेटिंग गाइड्स फॉर एडजेसेंट मशीन पार्ट्स एंड टू कीप द टू सेक्शंस ऑफ ए पेंच एंड डाई इन अलाइनमेंट। देखिए मेनली होता क्या है, डबल पिन के विषय में आप लोग समझ लें, इसको हिंदी में भी डबल पिन कहते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। होता क्या है, यह पिन मेनली क्या होता है, दो जो भी पार्ट्स हैं जिनको ज्वाइंट देना होता है तो दो अंगों के सापेक्ष स्थिति को निर्धारित करता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, तो एक पार्ट देखिए जिसको ज्वाइंट करना था ये वाला था, और दूसरा पॉइंट इसी के ऊपर ये प्लेट थी, दोनों प्लेट को ज्वाइंट देना था। अब यदि होता क्या है, ये वाला जो आप देख रहे हो ये तो दूसरे प्रकार का एक ज्वाइंट हो गया, जिसको अभी मैंने आपको पीछे बताया था क्लेविस ज्वाइंट, ठीक है ना। क्लेविस ज्वाइंट में क्या होता था भाई, क्लेविस ज्वाइंट में दोनों पार्ट उस एक्सिस के सापेक्ष यानी जो पिन था उसके सापेक्ष उसके मोशन कर सकते थे ना, रिलेटिव मोशन हो सकता था उसी के एक्सिस के अराउंड, पिन के एक्सिस के। बट अब डबल पिन का काम क्या होता है, डबल पिन का काम क्या होता है, बिल्कुल लॉक कर देना, वो मोशन नहीं करने देगा। तो यहाँ पर देखिए, ये एक हमने डबल पिन सिलेंड्रिकल शेप का मान लो, बहुत सारे शेप होते हैं इसके, तो हमने यहाँ पर मतलब एंटर करा दिया दूसरे होल में। अब क्या होगा, देखिए क्या ये दोनों पार्ट आपस में मोशन कर पाएंगे अब एक्सिस के अराउंड, कब भी नहीं, क्योंकि ये यहाँ से लॉक हो गया है। बात समझ में आई ना। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि हार्डन एंड प्रिसाइजली सेफ डबल पिन आर यूज टू कीप द मशीन कंपोनेंट, अर्थात कि दोनों मशीन कंपोनेंट को स्थिर अवस्था में रखने के लिए डबल पिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इन एक्यूरेट अलाइनमेंट दे आर ऑल्सो यूज टू लोकेटिंग लोकेशन गाइड्स फॉर एडजेसेंट मशीन पार्ट एंड टू कीप द टू सेक्शंस ऑफ ए पेंच एंड डाई इन अलाइनमेंट। अर्थात वही कह रहा है कि किसी भी मशीन के दो कंपोनेंट्स, जो भी दो कंपोनेंट होते हैं, उनको आपस में प्रॉपर अलाइनमेंट रखने के लिए, अर्थात कि बिल्कुल लोकेशन गाइड करने के लिए, लोकेशन प्रॉपर बनाए रखने के लिए हम डॉवल पिन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ये आपस में मोशन ना कर सकें, और दूसरी बात कि एक दूसरे को अवस्थापक मतलब जो जहाँ पर उनकी स्थापित हुए हैं, लोकेशन जहाँ हुआ है, वो एक दूसरे को डिसलोकेट ना कर सकें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, अब देखिए ये तो डबल पिन था, बहुत सरल था, डबल पिन का काम ही क्या है भैया, स्थिति को बनाए रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं टैपर पिन। तो टैपर पिन क्या होता है समझ लीजिए, देखिए होता क्या है टैपर पिन्स में, एक मिनट, इसमें होता क्या है कि कह रहे टैपर पिन इज ए फास्टनर यूज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दे आर स्टील रॉड्स विच वन एंड हैविंग स्लाइटली लार्जर डायमीटर देन द अदर। अब बात समझिएगा टैपर पिन का मेनली यूज क्या होता है। टैपर पिन वो पिन होता है जो कि शाफ्ट को किसी भी लीवर में फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप बात समझिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक बड़ा वाला, ये देखिए ये पोर्शन है ये वाला, और इसके अंदर ये हमने शाफ्ट डाली है। मान लीजिए जैसे ये एक पोर्शन है और इसके अंदर हमने ये शाफ्ट डाला है। अब ये सेफ्ट मान लीजिए प्रॉपर इसमें फिट ना हो सका या ढीला हो गया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसी के इस हिस्से पे एक ठो की का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठोक देते हैं, मतलब कि टैपर पिन टाइप का होता है उसको हम यहीं पे ठोक देते हैं, तो जिससे क्या होता है ये टाइट पड़ जाता है उसमें, ठीक है ना। जैसे आप देखते होगे फड़वा वड़वा देखते हो ना, फावड़ा,
तो फावड़े में या कुल्हाड़ी में जब वो हत्था कमज़ोर हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, तो कील गाड़ देते हैं, लकड़ी घोस देते हैं। ठीक इसी तरीके टेपर पिंस का इस्तेमाल होता है, केवल किस लिए? टाइट जॉइंट देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टेपर पिन का। देखिए यहाँ पर जैसे ये फिगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाला फिगर आप देख रहे हो, इसमें यह किनारे से दे दिया ताकि प्रॉपर जॉइंट हो जाए, और यहाँ पर देखिए बीचों बीच ये दिया गया है होल के, जिससे कि ये जो पिन ये जो हमने बीच में उसके सेफ्ट डाला है लीवर में, वो अब प्रॉपर फिक्स हो जाए। ठीक ना, ये तो परमानेंट उपाय नहीं है। किनारे से देखिए, किनारे से हमने डाला इसको जॉइंट, परमानेंट जॉइंट देने के लिए ये प्रॉपर उपाय नहीं है, क्योंकि निकल सकता है, लेकिन पीच से हमने डाल करके ऊपर देखिए ये हेड है छोटा सा, और उस हेड को टाइट कर दिया, तो भैया हमारा ये परमानेंट जॉइंट बोल गया बन गया। तो वही कह रहा है टेपर पिन जो फास्टनर अर्थात टेपर पिन क्या है, एक प्रकार से बंध में इस्तेमाल होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पार्ट में, और यह स्टील के रॉड का शेप का भी होता है, जो कि थोड़ा सा लार्ज डायमीटर रखता है, किसके थ्रू? लीवर से थोड़ा सा लार्ज डायमीटर का होता है। और स्टैंडर्ड इंच साइज पेपर टेपर या पेपर लिख गया टेपर पेंस हैव अ टेपर डायमीटर ऑफ 1.48 व्हाइल वंस हैव अ टेपर ऑफ 1.50। अब 1.48 और 1.50 का मतलब ये देखिए थोड़ा स्टैंडर्ड उसमें चला जाता है, उसको आप ना समझें, बस टेपर पिन का आपने इस्तेमाल देख लिया, इसको अपने लैंग्वेज में आप उतार सकते हैं। मैंने समझा दिया व्हाट इज़ द टेपर पिन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये तो इसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, ये आपने मशीन पिन के पार्ट्स पढ़ लिए। अब इसके बाद उसका दूसरा ही पार्ट आपने देखा होगा, मशीन पिन के बाद जो सेमी परमानेंट वाला था उसका दूसरा पार्ट आपने देखा था, रेडियल लॉकिंग पिन। रेडियल लॉकिंग पिन ये क्या होता है, अब आप बात समझिए। दीज पिन्स आर यूज्ड वेरी लार्ज वाइब्रेशन लोड एंड इम्पैक्ट लोड। अभी बताते हैं, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पिन इन विच होल्स आर अटैच्ड स्ट्रॉन्गली ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ पिन। और देखिए रेडियल लॉकिंग पिन आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, पहला है ग्रूव्ड पिन और स्प्रिंग पिन। अब इसको समझाता हूँ मैं। देखिए होता क्या है कि जो रेडियल लॉकिंग पिन होती है ये तब इस्तेमाल की जाती है ऐसी जगहों पर और ऐसे कंपोनेंट्स को जॉइंट देने के लिए बनाई जाती है जिन कंपोनेंट्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशनल फोर्सेस कार्य करते हों, यानी कि कंपन बल काम करता हो, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता हो, और जिनके बीच में इम्पैक्ट लोड ज़्यादा काम करता हो, ऐसी जगहों पर हम रेडियल लॉकिंग पिन का इस्तेमाल करते हैं। और इसका देखो होता क्या है कि ऐसा कैसे होता है, ये ऐसे बनावटी होते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं कि जिससे ये जो लॉकिंग पिन होता है ना, जिन दो पार्ट्स के बीच में लगे होते हैं, आराम से अपने शेप को एडजस्ट कर लेते हैं, या तो बहुत ही मतलब इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि उनके बीच में जो वाइब्रेशन था, उनके दोनों कंपोनेंट्स के बीच में जो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होना चाहिए था, वो स्वयं पर झेल लेता है इस तरह का पिन। बात समझ में आना रेडियल लॉकिंग पिन का मतलब क्या है। अब समझिए कि रेडियल लॉकिंग पिन दो प्रकार से क्लासिफाइड किए गए हैं, पहला ग्रूव्ड पिन है, दूसरा स्प्रिंग पिन है। ग्रूव्ड पिन होता क्या है, कह रहा है ए ग्रूव पिन इज ए सॉलिड सिलेंड्रिकल पिन इन विच थ्री लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम बार और कॉइल। अभी समझाता हूँ, थ्री ग्रूव्स आर प्रेस्ड इनटू द सिलेंड्रिकल बॉडी टू एक्सपेंड इट्स डायामीटर टू द साइज ग्रेटर देन इट्स नॉमिनल डायामीटर। बात समझिएगा, देखिए इस तरीके का एक सिलेंडर होता है, यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हो, ये देखिए एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऊपर से देखो गोल गोल है, ओवल शेप मान लो या गोल गोल मान लो, तो इस पर इस तरीके से टॉप से लेकर बॉटम तक इस तरह से ग्रूव कटे होते हैं दोनों तरफ, तीन तरफ, एक इधर, एक फ्रंट पे, एक पीछे, तीन तरफ ग्रूव कटे होते हैं। तो ग्रूव कटे होने पर ऐसा एक शेप आएगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से, एक टॉप से देखोगे तो ऐसा एक ग्रूव कटा होगा, एक ग्रूव यूँ कटा होगा और एक ग्रूव यूँ कटा होगा। बात समझ में आई ना, टॉप से अगर देखो तो इतना पोर्शन आपका हटा होगा, गायब होगा। अब क्या होगा, जब इस तरीके के हम सिलेंड्रिकल पिन को यानी ग्रूव्ड पिन को जब किन्हीं भी दो प्रकार के जॉइंट जहाँ पर हमें देना होता है उनके बीच में डालते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब वाइब्रेशन होता है ना, तो वाइब्रेशन होने की कंडीशन में ये जो ग्रूव्स होते हैं आपस में ये जो जितना फैले होते हैं, देखो ये ग्रूव
ये अपने सेप को कम करने लगते हैं, यानी सिकोड़ने लगते हैं, ये इधर से इधर की तरफ भागेगा, ये इधर से इधर की तरफ भागेगा, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रूव का साइज कम होगा, बस चटकेगा तो नहीं, उसको नुकसान तो नहीं पहुँचेगा, ग्रूव का साइज सिकुड़ता है। और आपके जो दोनों मैटिंग पार्ट थे जिनके बीच में हमने ये वाला पिन इस्तेमाल किया था, उन मैटिंग पार्ट्स को वाइब्रेशन से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से एक ग्रूव नहीं, तीन ग्रूव कटे होते हैं, तीनों ग्रूव अपने साइज को जब झटका लगता है तो ये इधर से इधर से सिकुड़ना चालू करता है, ये इधर से इधर, तो साइज ग्रूव का कम होता है। तो उससे क्या होता है कि वाइब्रेशनल जो झटके होते हैं वो हमारे मैटिंग पार्ट्स को तोड़ नहीं पाते हैं और आराम से हमारा जो भी मैटिंग पार्ट होता है वो वर्क करता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, ग्रूव पिन इज अ सॉलिड सिलिंड्रिकल पिन इन विच थ्री लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम बार और कॉइल, यानी कि तीन प्रकार के ग्रूव कटे होते हैं तीनों तरफ, मतलब तीन तरफ, है ना। और फिर कह रहा है कि थ्री ग्रूव्स आर प्रेस्ड इनटू द सिलिंड्रिकल बॉडी। भाई जब मैंने बताया है भाई कि अपने डायमीटर अपने शेप को सिकोड़ते हैं जिससे कि दोनों मैटिंग पार्ट्स पर वाइब्रेशनल लॉसेस कम हो जाते हैं, इतनी बात आप समझ गए होगे। चलिए, ग्रूव्ड पिन हो गया। इसके बाद भैया हम स्प्रिंग पिन पे देखते हैं। स्प्रिंग पिन आर रेडियली पिन, पहली बात ये कह रहा है। फिर कह रहा है इट वर्क्स एन कंप्रेशन रेडियल और वर्क्स ऑन स्प्रिंग एक्शन ऑन सर्कमफेरेंस, इट इज प्लाज्मा लाइक स्लॉटेड ट्यूबुलर वायर ड्रैप्ड। अब देखें इसमें होता क्या है, मैं समझा दूँ, फिगर तो यहाँ नहीं दिया है, ये किस तरह का सेप होता है मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखो, ये मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल, एक मिनट सॉरी, ये मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल सेप है, ठीक है। अब इसके बीच में कई सारे स्प्रिंग टाइप का ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इस तरीके का सेप होता है, एक दो ऐसे कई सारे स्प्रिंग टाइप का कटा होता है, ठीक है ना। तो अब होगा क्या कि एक के ऊपर ये कई सारी परत चढ़ी होती है सिलेंड्रिकल सेप में, अर्थात इस तरीके से, समझ गए, ये होता है सिलेंड्रिकल से, ठीक है, इस तरीके से, इस तरह के स्पिन होती है। तो देख लो, तो इसमें क्या होता है कि जब अब होता क्या है कि जिन दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में इस तरह के पिन को बेटा डाला जाता है, एंटर कराया जाता है, तो उसमें जब कंप्रेशन लगता है यानी वाइब्रेशन लोडेड लगते हैं, तो ये स्प्रिंग की तरह सिकुड़ने का प्रयास करेगा अंदर की तरफ। भाई ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, लीफ आपस में सिकुड़ेंगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, ये भी वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं स्प्रिंग पिन, इसको इसलिए हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, तो फिलहाल इसको अभी यहीं रहने देते हैं, चलते हैं आगे। क्वार्टर जॉइंट, देखिए अब हम अभी तक हमने पिन के बारे में पढ़ा, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ पिन्स, पिन होता क्या है बता दिया मैंने भैया, दो मेटिंग पार्ट्स को जोड़ यानी कि जॉइंट देने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसको पिन कहते हैं, ठीक है ना। और फिर हमने कई तरह के पिन पढ़ लिए, उसके भिन्न भिन्न प्रकार के टाइप्स पढ़ लिए। अब ये तो हो गया कि भैया पिन क्या होता है, अब हम चलते हैं जॉइंट क्या होते हैं, किस किस तरह के जॉइंट होते हैं, कैसे कैसे जॉइंट दिए जाते हैं यानी जोड़। तो अब हम चलते हैं क्वार्टर जॉइंट पर। क्वार्टर जॉइंट क्या होता है बेटा, इसके विषय में आप देखेंगे अभी। देखो क्वार्टर जॉइंट क्या होता है कि आपने वेल्डिंग प्रोसेस अगर कभी पढ़ा हो, वैसे आप लोग जहाँ जहाँ तक नहीं पढ़ोगे, वेल्डिंग प्रोसेस में क्वार्टर जो जॉइंट होता है वो कैसा होता है, देखिए एक ही एक्सिस पर जब जॉइंट दिए, जैसे एक मेटल या दूसरा मेटल यूं, इनको आपस में इस एक्सिस के अराउंड जोड़ना होता है, क्वार्टर जॉइंट, क्वार्टर जोड़ कहलाता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जब सेम एक्सिस पर यानी एक ही एक्सिस पर दो तरह के अलग अलग पार्ट्स को हम जॉइंट पिन के थ्रू प्रदान करें तो उसको कहते हैं क्वार्टर जोड़। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक क्वार्टर इज अ मेटेलिक स्ट्रिप ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस बट टेपर इन विड्थ। मतलब कह रहा है कि जो क्वार्टर होता है वो कैसा होता है भैया, एक मेटेलिक स्ट्रिप होता है यानी कि एक पट्टी टाइप का होता है जो कि यूनिफॉर्म थिकनेस का होता है, बराबर थिकनेस होगी उसकी, ठीक है ना, और साथ में विड्थ में थोड़ा सा टेपर होगा, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक विड्थ थोड़ी सी कम होगी, ठीक है ना। फिर कह रहा है द क्वार्टर पासेस थ्रू स्लॉट्स मेड इन को एक्सियल पार्ट्स एंड दस प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। मतलब कह रहा है कि क्वार्टर जो होता है वो
क्या होता है कि दो स्लॉट होते स्लॉट से होकर के पास होता है, जो क्या करता है दो को एक्सियल यानी सेम एक्सिस वाले पार्ट को आपस में मोशन करने से रोकता है और जोड़ बनाता है दोनों के बीच में, ठीक है। फिर कह रहा है द क्वार्टर जॉइंट आर यूज्ड ओनली टू ट्रांसमिट एक्सियल पुल बिटवीन द टू रॉड्स एंड दे आर नॉट मेड टू रोटेट, अर्थात कि जो क्वार्टर जॉइंट होता है वो केवल एक्सियल मोशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र कर सकता है, बट दोनों के बीच में रोटरी मोशन को नहीं बना सकता है। टाइप्स आपका अभी बताते हैं कैसे बनता है, ठीक है ना। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्वार्टर जॉइंट, अभी जब आप जॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें अपने आप समझ जाएंगे कैसे होता है क्वार्टर जॉइंट। क्वार्टर जॉइंट कह रहा है देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वार्टर जॉइंट, कह रहा है श्री वेंट क्वार्टर जॉइंट, फिर स्पाइगट सॉकेट क्वार्टर जॉइंट, गिब क्वार्टर जॉइंट, फिर क्वार्टर बोल्ट। इस तरह के चार आपने पढ़े हैं। पहले चलते हैं स्लिप क्वार्टर जॉइंट पे। देखिए स्लिप क्वार्टर जॉइंट कह रहा है द टू सिलेंड्रिकल रॉड्स रॉड एंड मेड टू बट, बट का मतलब भाई एक आमने सामने जुड़े हों, ईच अदर एंड सिंगल स्लिप कवर बोथ। देखो क्या होता है इसमें, इस तरीके की एक स्लीव होती है, स्लीव मतलब बाहर का पोर्शन, जैसे हम लोग कहते नहीं अपने बटन की स्लिप, स्लिप की बटन बंद कर लो, यानी अंदर हमारा हाथ होता है लेकिन बाहर से शर्ट की स्लीव होती है, ठीक है ना। ऐसे एक बाहर का पोर्शन होता है जो कि कवर करता है अंदर के पोर्शन को, उसको स्लीव कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये तो एक पार्ट है जो अंदर रहेगा और ये एक पार्ट है जो बाहर की तरफ रहेगा, इसको कहते हैं स्लीव। बाहर वाले पोर्शन को स्लीव कहते हैं, अंदर वाले पोर्शन को क्वार्टर जॉइंट क्वार्टर कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, एक मिनट, एक मिनट, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैंने कहा था ना दो आपको रॉड होंगी जो कि स्लीव के अंदर होंगी, ठीक है ना, और उस पर भी हम जॉइंट लगा देंगे तो ये स्लीव केवल आपस में जॉइंट हो जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे ये एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट को हमने यहाँ से एंटर कराया इस तरफ और ऐसा ही एक शाफ्ट इधर से एंटर कराया, ठीक है। देखिए दोनों के बीच में ये खांचे कटे हुए हैं और इस देखिए ये जो आप पोर्शन देख रहे हो शाफ्ट का, इस पर भी देखिए ये खांचा कटा हुआ है। तो जब ये पोर्शन इधर से ऐसे खांचे के पास में जाएगा तो ऊपर से एक हम जॉइंट डाल देंगे इन दोनों खांचे के बीच में, तो ये फिक्स हो जाएगा ठीक से। इसी तरीके ये ऐसा ही एक शाफ्ट इधर से भी डाल देंगे और ऐसा ही खांचे में ऐसे एक पोर्शन फिट कर देंगे, क्वार्टर डाल देंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाएंगे एक ही एक्सिस के अराउंड। एक ही एक्सिस पर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सिस देखिए सेम होगा दोनों के लिए। तो इस तरह के जॉइंट को क्या बोलते हैं, स्लीव क्वार्टर जॉइंट, अर्थात कि एक ही हिस्से के अंदर दो शाफ्ट आपस में एक ही एक्सिस पर जॉइंट हो जाएं, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्लीव क्वार्टर जॉइंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्पाइगट सॉकेट जॉइंट। स्पाइगट सॉकेट जॉइंट क्या होता है आप समझिए, यहाँ पर ये जो बाहर वाला पोर्शन देख रहे हैं ना इसको कहते हैं सॉकेट, ठीक है। अंदर वाला ये जो शाफ्ट टाइप का पोर्शन देख रहे हो जो इसके अंदर जाएगा उसको कहते हैं भैया हम स्पाइगट, ठीक है ना। और दोनों पर हेड्स वो होते हैं, हेड होते हैं या कॉलर कह लो, जो कॉलर का काम ही होता है रोकना, आगे पीछे निकलने से रोकना। जैसे कि देखिए जब ये वाला पोर्शन इसके अंदर एंटर कराया जाएगा यानी सॉकेट के अंदर, तो ऐसा एक जॉइंट आएगा, ये नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हो, ये हिस्सा कहलाता है स्लीव और ये कहता है सॉरी ये हिस्सा कहलाता है सॉकेट और ये हिस्सा कहलाता है स्पाइगट। तो देखिए इसके ऊपर भी एक कॉलर ये है चौड़ा हिस्सा ताकि और अंदर ना जा सके, और यहाँ पर भी एक देखिए कॉलर अंदर से ग्रुप टाइप का कटा हो ताकि और आगे बढ़ ना सके, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर भी एक खांचा कटा हुआ है, जैसा कि आप चित्र में ये देख रहे हो ये खांचा कटा हुआ है ना, और ठीक इसी तरीके यहाँ पर इस पर भी एक खांचा कटा हुआ है। इन दोनों के बीच में हमने एक अपनी स्ट्रिप डाल दी तो उसको क्या कहते हैं, स्पाइगेट सॉकेट जॉइंट। समझ में आ गया भाई यहाँ तक ये चीज़। तो वही कह रहा है वन एंड ऑफ द रॉड कैरीज अ सॉकेट वाइल अदर एंड ऑफ द अनदर रॉड कैरीज अ स्पाइगेट, ठीक है ना। एक तरफ रॉड का एक हिस्सा ये सॉकेट होता है, दूसरा हिस्सा स्पाइगेट कहा जाता है, ठीक है। द सॉकेट इज ए हॉलो एंड स्पाइगेट इज ए सॉलिड सिलेंड्रिकल विद ए कॉलर, द सॉकेट ऑल्सो हैज ए कॉलर। यही तो बात था। तो यहाँ तक स्पाइगट और सॉकेट का जॉइंट आपने समझ लिया होगा क्या है, दोनों एक तरह से शाफ्ट हैं आपस में मोशन मतलब रिलेटिवली फिक्स हो जाएंगे, एक शाफ्ट ये है एक शाफ्ट ये है,
बस क्या है, ये हॉलो पोर्शन है और ये सॉलिड पोर्शन है। इस पर भी कॉलर है और इस पर अंदर भी देखिए कॉलर टाइप का बना हुआ है। दोनों के खांचे कटे हैं, एक ये दोनों में हमने अपना क्या डाल दिया, एक क्वार्टर जॉइंट डाल दिया। ये ऐसा ऐसा क्वार्टर टाइप का एक सिलेंडर शेप होता है, वो डाल दिया तो दोनों आपस में केवल रिलेटिव मोशन कर पाएंगे और अलग नहीं हो पाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। चलिए जहाँ तक बेटा हमने आपको पढ़ा दिया है आज तक के लिए फिर इतना है, फिलहाल इतना ही। फिर आगे हम और भी तरह के जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट्स, नकल जॉइंट आगे लेकर के हाजिर होंगे आपके लिए। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड इवनिंग, शुभ संध्या।